हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई के बारे में। इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अभी जैसे कि कोई भी रिक्रूटमेंट आ नहीं रही है, लेकिन ये मिंट मुंबई जो एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए सभी के लिए पोस्ट निकला हुआ है, जो भी बीटेक है या फिर डिप्लोमा है या फिर आप आईटीआई होल्डर है, तो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आपको वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसीज बहुत ही कम है, लेकिन एटलीस्ट वैकेंसीज निकली है अभी के टाइम पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देख लेते किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से वैकेंसी, यानी कि कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है या आपका ट्रेड एलिजिबल है, जो भी आप कह सकते हैं, तो आप चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले बीटेक, डिप्लोमा डिप्लोमा और आईटीआई के लिए आईटीआई। तो जो ये वेबसाइट पे आप एक्टिवेट हो जाएगा, तो 5/9/2020 से 4/10/2020 के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। देन आप बात कर लेते हैं यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट्स दे दिए गए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो वो भी नवंबर 2020 दे दिया गया है। अब कंडीशन सही रहेंगे तो नवंबर 2020 में होगी या फिर वो डिले होगा, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एटलीस्ट एग्ज़ाम जल्दी लेने के लिए रेडी तो है, तो जब भी होगा आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होगा, तो इस हिसाब से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो। देन नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किस किस वैकेंसी पर पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन सिविल इंजीनियर S1 लेवल, यानी कि यहाँ पे आपको डिप्लोमा वाले के लिए निकली हुई देख सकते हैं आप। क्वालिफिकेशन मैं साइड बाय साइड आपको बता देता हूँ, UR की एक पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। तो डिप्लोमा इनके एसेंशियल है, यानी कि एसेंशियल वो होते हैं जिनमें आपको मस्ट, यानी कि उन्हें वो सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर एसेंशियल में जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है वो आपका एसेंशियल डिग्री है, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होने से भी आपका यहाँ पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप डिजायरेबल में बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, यानी कि अगर कोई बीटेक वाला भी है तो ये पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप अगर डिप्लोमा या बीटेक जो भी है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा बीटेक वालों को, क्योंकि यहाँ पे डिजायरेबल है, अगर एक डिप्लोमा होंगे और एक बीटेक होंगे सेम क्वालिफिकेशन और सेम परसेंटेज और सेम नॉलेज के साथ, तो बीटेक वाले को आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा है जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल है और बीटेक है जो कि कम नॉलेजेबल है, तो बात यहाँ पे ये है कि नॉलेज ज़्यादा रहेगा डिप्लोमा वाले को, तो वहाँ प्रेफरेंस मिलेगा बात नॉलेज की है। और अगर सेम सब कुछ क्राइटेरिया मैच करिए तो फिर बीटेक वाले के साथ वो जाएंगे। देन मैं यहाँ नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन S1 लेवल ड्राफ्ट मैन, यानी कि यहाँ पे भी आपका टोटल UR के लिए एक ही पोस्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल मांगा गया है, और यहाँ पे डिजायरेबल में रखा गया है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज ऑफ CAD/CAM, यानी कि यहाँ पे एसेंशियल में यहाँ पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल, तो डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ बीटेक वाले फिल कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है, तो ध्यान रखेंगे। देन बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, तो सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशंस S1 लेवल, तो यहाँ पे UR की दो पोस्ट है। फर्स्ट क्लास एसेंशियल में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। देन डिजायरेबल में यहाँ बीटेक इन द अबव ब्रांच, यानी कि बीटेक जो भी ऊपर ब्रांच लिखे गए उस पर बीटेक भी होगा, तो ये डिजायरेबल में होगा। तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के जो भी लोग डिप्लोमा किए वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जरूर से जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट पोस्ट सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशंस S1 लेवल, तो यहाँ पे आपका निकला हुआ पोस्ट टोटल UR के लिए 4 है और OBC के लिए 1 है, टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एसेंशियल है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल वाले जो भी या प्रोडक्शन तो वो अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा में भी, साथ ही साथ बीटेक वाले भी डिजायरेबल में है, यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन S1 लेवल, यहाँ पे आपका UR की दो पोस्ट है, देख लेते हैं ब्रांच। तो यहाँ पे एसेंशियल में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इन सब ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर इन सब ब्रांच में आपने बीटेक भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर S1 की, तो यहाँ पे आपका लंबा चौड़ा यहाँ पे मांग दिया गया है एसेंशियल और आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है, तो जिसके पास भी डिग्री है इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी फैक्ट्री, तो ये आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ जो भी आपका यहाँ पे एनग्रेवर बी फोर लेवल, तो यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि यहाँ पे आपका बीटेक या डिप्लोमा वाले के लिए कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ जूनियर ऑफ इस, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट मांगा गया है 55% के साथ, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइपिंग मांगा गया है, तो आप देख सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यूआर के लिए एक पोस्ट है। देन नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आईटीआई वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको नोट में क्या लिखा होगा, कैंडिडेट्स पोजेसिंग फर्स्ट क्लास बी बी टेक इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स इंस्टीड ऑफ डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम कैन ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट पोस्ट कोड 125, यानी कि सारे पोस्ट के लिए बीटेक एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ब्रांच सेम होना चाहिए साथ ही बस और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। देन नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आपका जो बीटेक वालों के लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए यानी कि आईटीआई वालों के लिए, सो आईटीआई वालों के लिए निकली हुई जो पोस्ट है उसका नाम है आपका जूनियर टेक्नीशियन W1, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, फर्नेस मैन के लिए 4, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार के लिए 3। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपको क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रेड एंड 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT, NCVT से आपको 1 ईयर का NSC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और यहाँ पे डिजायरेबल में आपको डिप्लोमा मांग दिया गया है, यानी कि अगर कोई डिप्लोमा वाले यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ फर्नेस मैन में, तो आपको UR के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है, तो ITI सर्टिफिकेट इन फाउंड्री स्लैश आपका ब्लैक स्मिथ ट्रेड एंड 1 ईयर NSC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। डिजायरेबल आपका यहाँ पे डिप्लोमा मांग दिया गया है, तो डिप्लोमा वाले जिन्होंने इस ब्रांच में अपने पढ़ाई की है तो अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ गोल्ड स्मिथ UR के 3 यानी कि सोनार के लिए, यहाँ पे SNCL आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है इन गोल्ड स्मिथ ट्रेड एंड 1 ईयर NSC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। साथ ही साथ यहाँ पे डिजायरेबल डिप्लोमा होल्डर्स भी है, तो आप डिप्लोमा अगर किए तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट का ध्यान देंगे, एज लिमिट इसके लिए 25 ईयर्स है। देन मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट कारपेंट्री के लिए, तो वो 1 है आपका पोस्ट, तो जिसका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है कारपेंट्री में और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ जो भी आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स दे दिया गया है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, गाइडलाइंस, आपका रिलैक्सेशन, सारा कुछ। एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 472 रुपीज़ है आपका एग्जामिनेशन फ़ीस है सभी पोस्टों के लिए। तो अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करें, बीटेक के लिए अप्लाई करें या ITI, सबके लिए 472 रुपीज़ लगेंगे आपको, जो कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ सारा डिटेल्स आपको लिखा गया है। देन मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा, तो एग्जामिनेशन आपको देखिए टोटल मार्क्स आपको 200 रहेंगे और 2 आवर का रहेगा। मैं पहले बताता हूँ एग्ज़ाम इसका IBPS कंडक्ट कराने वाला है, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे तो ही आपको दिख जाएगा कि IBPS वहाँ पे कंडक्ट करा रहा है। तो IBPS आपको एग्जामिनेशन में नॉन टेक में आप समझ लीजिए बैंकिंग के पैटर्न आने वाले हैं, टोटल वो 5 ऑप्शन देते हैं, तो ध्यान रखें जो आपका जो टेक्निकल होगा वो आपका किसी न किसी बुक से ही लिया जाएगा, टेक्निकल बुक से। तो आप देख सकते हैं आपको जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का, तो वो आपको आपका ब्रांच से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ब्रांच आपका है, जो भी क्वालिफिकेशन वो मांगे उससे रिलेटेड होगा, यानी कि अगर उन्होंने मैकेनिकल में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल मांगा तो वो मैकेनिकल में एग्ज़ाम लेंगे, ड्राफ्ट्समैन में नहीं, क्योंकि उन्होंने डिजायर जो अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देंगे। अब हो सकता है कि उसमें ड्राफ्ट्समैन के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, लेकिन वो ब्रांच आपका मैकेनिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा सारा कुछ। तो उसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सारा कुछ में भी वैसे ही रहेगा। देन बात कर लेते हैं नॉन टेक सेक्शन की, तो यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 करके आएंगे, जो आपका 100 क्वेश्चन नॉन टेक और 100 आपका टेक रहेंगे। टोटल आपको 2 आवर दिया जाएगा, टोटल 120 मिनट्स, यानी कि तो आप ध्यान दें क्वेश्चन का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे करना रहेगा, कम टाइम रहेगा, तो ये आपका टोटल है। एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, तो IBPS जो भी एग्ज़ाम ले रहा है टेक्निकल के लिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ये ध्यान देके एग्ज़ाम देने जाइएगा जब भी आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो। देन बात कर लेता हूँ एक पोस्ट यहाँ पे ऐसा है जिसके लिए आपको अलग से यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम का आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये है कि यहाँ पे
एनग्रेवर के लिए जो आपको पोस्ट है उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि उसमें चेंजेस रहेंगे, बाद बाकी जितने नीचे का जो नॉन टेक सेक्शन वो सेम ही रहने वाला, लगभग 2 आवर का एग्जाम इनका भी होगा, नॉन नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो भी फॉर्म फिलअप करें तो इस बात का ध्यान रखें। देन उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ITI वाले के लिए भी ITI में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे यानी कि आपने जो आपका जो ट्रेड होगा उसमें आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ITI वाले के लिए भी आपका यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज होगा सेम, तो लगभग सब सेम है, आपको यहाँ पे सब बता दिया गया, मतलब कि किस से आपको रिस्पेक्ट में प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम लिया जाएगा। टाइमिंग आपका 2 आवर ही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाले हैं, तो इस बात का आपको लगभग ऑलमोस्ट सब में सेम है। देन नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, कुछ ऐसा ही लिखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है जो कि टाइपिंग है जिसमें, तो यहाँ पे चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टेक्निकल नहीं पढ़ा, तो टेक्निकल उनके लिए सिर्फ नॉन टेक आएंगे। ध्यान दें ये नॉन टेक क्वेश्चन रहेंगे, ये 200 रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 120 मिनट्स मिलेंगे यानी कि 2 आवर। ये नॉन टेक सेक्शन आप ध्यान दें, अगर IBPS एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वो बैंकिंग पैटर्न पर रहेगा और जो कि थोड़ा टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो इस बात की आप तैयारी करके जाए। PDF में सारा कुछ आपको स्क्रॉल करके बता दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन सारा कुछ दे दिया गया है, सिग्नेचर फोटो सारा कुछ के बारे में। तो आप PDF डाउनलोड करके सब कुछ आराम से पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ ओरिजिनल वेबसाइट